डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट का सिक्स्थ लेक्चरर है, वह है ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो ठोसों में निबिड़ संकुलन होता क्या है, इसको समझते हैं पहले कि कोई भी क्रिस्टल या ठोस है उसमें अवयवी कण अणु परमाणु कोमा आयंस, उसके अंदर जो भी अवयवी कण हैं वो निकटतम दूरी पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि क्रिस्टल जालक के अंदर अधिक से अधिक अवयवी कण स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को अपन निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि क्रिस्टल जालक के अंतर्गत जो कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंतर्गत अधिक से अधिक अवयवी कण स्थान ग्रहण कर लेते हैं और उसके अंतर्गत न्यूनतम से न्यूनतम स्थान रिक्त रहता है। तो इस व्यवस्था को अपन निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। अधिक से अधिक अवयवी कण हैं वो क्रिस्टल जालक में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और न्यूनतम से न्यूनतम स्थान रिक्त रहता है। तो इस व्यवस्था को अपन निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। इस निबिड़ संकुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि अवयवी कण जितने अधिक पास पास होते हैं तो उस क्रिस्टल का स्थायित्व अधिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्रिस्टल की जो संकुलन दक्षता है वो अपने को अधिक प्राप्त होती है। जब संकुलन दक्षता अधिक प्राप्त होगी तो उसका स्थायित्व का भी मान उच्च होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस होगा अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अवयवी कणों को अपने निकटतम से निकटतम व्यवस्थित करता है। ये संभावनाएं तीन प्रकार की होती हैं। क्लोज पैकिंग की संभावनाएं, निबिड़ संकुलन की संभावनाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है वन डी क्लोज पैकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक मिमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबड़ संकुलन। दूसरी होती है द्विविमीय निबड़ संकुलन, जिसको इंग्लिश में बुलाया अपन ने टू डी क्लोज पैकिंग, द्विविमीय निबड़ संकुलन। तीसरी होती है त्रिविमीय निबड़ संकुलन। इधर अब बंडी निबड़ संकुलन क्या होता है इसको समझते हैं अपन। बंडी निबिड़ संकुलन उसे कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन उसको कहते हैं, जिसमें कि अवयवी कण हैं जो केवल एक ही अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के व्यवस्था क्रम को अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। जब अवयवी कण केवल एक अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम एक विमीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। अर्थात जो अवयवी कण हैं केवल एक अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित हैं तो इसको बोलते हैं बंडी क्लोज पैकिंग के नाम से। एक्स वाई जेड में से केवल एक अक्ष के सापेक्ष अगर अवयवी कणों की व्यवस्था है तो कौन सी होगी, एक विमीय, केवल एक अक्ष के सापेक्ष व्यवस्थित है तो यह होगी एक विमीय निबिड़ संकुलन। इधर इसमें प्रत्येक अवयवी कण की मैं समन्वय संख्या की बात करूं तो एक अवयवी कण को
कितने घेरे हुए हैं? दो घेरे हुए हैं, तो इसकी सीएन नंबर क्या होगी? समन्वय संख्या दो होती है। अर्थात एक विमीय निपेट संकुलन से केवल और केवल एक पंक्ति का निर्माण होता है, एक पंक्ति का क्या होता है? निर्माण। द्विविमीय निपेट संकुलन क्या है? द्विविमीय निपेट संकुलन उसे कहते हैं जिसमें कि जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो दो अक्षों के सापेक्ष हो। जैसे कि एक विमीय निपेट संकुलन तो एक से पंक्ति बन गई, इस पंक्ति के नीचे या ऊपर और पंक्तियां मैं व्यवस्थित कर देता हूं तो ऐसा व्यवस्था क्रम ये कहलाएगा द्विविमीय निपेट संकुलन। देखो जरा, एक तो इस अक्ष के सापेक्ष व्यवस्था हो गई, मैंने ये एक्स अक्ष मान लिया, दूसरी ये इस अक्ष के सापेक्ष अवयवी कणों की व्यवस्था हो गई, इसको मैंने वाई अक्ष मान लिया, तो इसको बोलते हैं अपन द्विविमीय निपेट संकुलन। अर्थात जब दो अक्षों के सापेक्ष अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई के सापेक्ष हो, किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष एक्स वाई जेड में से जब अवयवी कणों की व्यवस्था होती है तो इसको बोलते हैं अपन द्विविमीय निपेट संकुलन। इस द्विविमीय निपेट संकुलन से अपने को एक परत की प्राप्ति होती है, एक लेयर बन जाती है द्विविमीय निपेट संकुलन से। जो अपनी फर्श होती है वो एक प्रकार से द्विविमीय निपेट संकुलन को शो करती है। ठीक, अब यह द्विविमीय निपेट संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है? यह द्विविमीय निपेट संकुलन दो प्रकार का होता है, ये कौन कौन सा है इसमें बताता हूं आपके लिए। पहला है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसके अंतर्गत पहला कौन सा है? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं द्विविमीय वर्गाकार निपेट संकुलन। दूसरा है 2D HCP, जिसको बोलते हैं अपन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निपेट संकुलन। इधर देखो भाई, ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होगा भाई? इसमें जो अवयवी कण हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे के ऊपर स्थित होता है, अर्थात एक दूसरे के सीध में स्थित होते हैं। मैं ऐसे कह दूं इसको कि जो एक विमीय निपेट संकुलन से अपने को जो पंक्ति प्राप्त होती है वो पंक्तियों इन पंक्तियों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक पंक्ति के अवयवी कण एक सीध में स्थित होते हैं। जैसे कि एक विमीय निपेट संकुलन से ये अपने को पंक्ति प्राप्त हो गई, इन पंक्तियों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रत्येक पंक्ति एक सीध में स्थित हो, तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष हो गया व्यवस्था, तो ये किसके सापेक्ष हो गई? वाई अक्ष के सापेक्ष। यदि मैं पहली पंक्ति को ए मानता हूं
तो इस पंक्ति को भी मैं ये कह सकता हूं, इस पंक्ति को भी मैं क्या कह सकता हूं, ए। तो ये 2D स्क्वायर क्लॉज पैकिंग है, अर्थात द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन है, वो एक प्रकार का 2D AAA डैश 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 टाइप का संकुलन होगा या नहीं होगा। भाई प्रत्येक पंक्ति ए है तो इसको मैं 2D AA प्रकार का संकुलन कह सकता हूं। इसमें देखो अवयवीय कणों की क्षैतिज व्यवस्था, क्षैतिज के अंदर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं एक सीध में, और ऊर्ध्वाधर रूप से भी अवयवी कण एक सीध में व्यवस्थित होते हैं। तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंतर्गत अवयवीय कणों में हॉरिजेंटल क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दोनों प्रकार का अलाइनमेंट का मतलब व्यवस्था क्रम पाया जाता है, अर्थात 2D क्लोज पैकिंग के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज अवयवीय कणों की व्यवस्था क्रम देखने को मिलता है। इधर किन्हीं चार अवयवी कणों की मैं केंद्रों को मिलाऊं तो अपने को एक वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। किसी एक अवयवी कण की मैं बात करूं, किसी एक अवयवी कण को निकटतम कितने अवयवी कण टच करते हैं, मैं इसको देखूं, तो जो एक अवयवी कण मैंने ये लिया, ये मान लिया मैंने इसको बाई, इसको कितने अवयवी कण टच कर रहे हैं, तो देखो एक तो ये टच कर रहा है, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है, चौथा ये टच कर रहा है, तो इस केंद्र बाई वाले अवयवी कण को चार अवयवी कण स्पर्श करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसकी जो संकुलन दक्ष, सॉरी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो CN नंबर है, समन्वय संख्या है, वो कितनी होगी, 4th होती है, 4। तो ये अपनी हो गई 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। में 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये खत्म होती है। दूसरी आती है 2D SCP क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इधर चलो ले लेता हूं मैं, तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा इसको मैं यहां पर समझाता हूं आपके लिए। तो 2D SCP क्लोज पैकिंग में जो एक विमीय निविड़ संकुलन से पंक्ति बनती है, एक विमीय निविड़ संकुलन से जो पंक्ति बनती है, इन पंक्तियों को एक के ऊपर एक, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 2D SCP को, किसको 2D SCP को इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक विमीय निविड़ संकुलन से जो पंक्ति बनती है उन पंक्तियों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पहली पंक्ति जो एक विमीय निविड़ संकुलन से जो पंक्ति बनती है उन पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं, और दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं। तो इस व्यवस्था क्रम को हम 2D SCP के नाम से जानते हैं। इधर देखो भाई, ये एक विमीय निविड़ संकुलन से एक पंक्ति बन गई, इसके गर्तों में ये अपन ने जमा दी, फिर इसके गर्तों में अपन ने तीसरी पंक्ति जमा दी, तो ये पंक्ति मैंने पहली पंक्ति ये रही ए, ये दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति मैंने डाउनलोड कर लिया, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरी पंक्ति ये रही, तो पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी
दूसरी पंक्ति के अव्यवी कण स्थान ग्रहण करते हैं और दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी पंक्ति के अव्यवी कण स्थान ग्रहण करते हैं। तो मैं बात कहूं, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अव्यवी कण एक सीध में स्थित होते हैं और दूसरी पंक्ति एवं चौथी पंक्ति के अव्यवी कण एक सीध में स्थित होंगे। इधर देखो, ये रही चौथी पंक्ति, तो देखो इसके और इसके अव्यवी कण एक सीध में, पहली पंक्ति ये चौथी पंक्ति रही, इधर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के देखो अव्यवी कण क्या है, एक सीध में। तो मैं कह सकता हूं कि जो 2D एससीपी क्लोज पैकिंग है उसके अंदर क्षैतिज जो व्यवस्था क्रम है वो क्षैतिज व्यवस्था क्रम एकांतर क्रम वाली पंक्तियों में देखने को मिलता है, अर्थात पहली और तीसरी के बीच में और दूसरी और चौथी के बीच में। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम है वो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम अल्टरनेटिव रो के अंदर देखने को मिलता है। देखो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम है क्या, ऊर्ध्वाधर जो व्यवस्था क्रम है वो अल्टरनेटिव रो के अंतर्गत है, एकांत क्रम वाली पंक्तियों के अंतर्गत। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एकांत क्रम वाली पंक्तियों के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम है। लेकिन जो क्षैतिज व्यवस्था क्रम है वो क्षैतिज व्यवस्था क्रम भी एकांत क्रम वाली पंक्तियों के अंतर्गत है, अर्थात पहली से तीसरी और दूसरी से चौथी, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम भी एकांत क्रम वाली पंक्तियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन 2D SCP क्लॉज पैकिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव रो। अगर मैं किन्हीं छह अव्यवी कणों के केंद्रों को मिलाऊं तो अपने को एक हेक्सागन की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं 2D SCP क्लॉज पैकिंग। देखो इधर पहला अव्यवी कण ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इन किन्हीं छह अव्यवी कणों के केंद्रों को मैं मिलाता हूं तो अपने को एक हेक्सागन बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन क्या, 2D SCP क्लॉज पैकिंग। कई बार राजस्थान बोर्ड में पिछली बार भी पूछा गया था उससे बिफोर लास्ट ईयर कि 2D SCP क्लॉज पैकिंग का रेखा चित्र बनाइए, तो ये सिंपल सा है, बनाना पड़ता है, कई बार स्क्वायर क्लॉज पैकिंग का ही पूछ देता है तो आसान सा है। अब मैं इसकी 2D SCP क्लॉज पैकिंग में समन्वय संख्या की बात करूं तो एक जो मैं इसको मैंने डिनोट कर दिया पी से, जो केंद्रीय गोला है इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, कितने अव्यवी कण स्पर्श कर रहे हैं इसको, तो इसको कर रहे हैं 6 अव्यवी कण। तो इस 2D SCP क्लॉज पैकिंग की जो संकुलन तक सॉरी 2D SCP क्लॉज पैकिंग की जो CN नंबर होती है, समन्वय संख्या होती है, वो कितनी होगी, 6 होगी। 2D SCP क्लॉज पैकिंग की जो पैकिंग फ्रैक्शन प्राप्त होती है, संकुलन दक्षता है, वो कितनी प्राप्त होती है, वो 60.4% प्राप्त होती है। वो पूर्व में चर्चा कर चुके हैं अपन इसकी संकुलन दक्षता की, अगर उसके पूर्व लेक्चर। तो इधर समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या है पड़ोसी, जो निकटतम पड़ोसी है कि उनकी संख्या। तो इससे हेक्सागन के अंदर निकटतम पड़ोसी जो अव्यवी कण है वो कितने, 6, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होती है। उसके बाद आती है 3D क्लॉज पैकिंग, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन है वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जो अपने को परत बन रही है, द्विविमीय ये भी क्या है, परत बन गई भी, और ये भी स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में भी अपने को एक परत बनी थी, SCP क्लॉज पैकिंग में भी अपने को एक परत बनी थी। तो इधर देखो अपने को जो ये परत बनी है,
इन परतों को एक के ऊपर एक यदि मैं व्यवस्थित कर देता हूं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जो अपने को परत प्राप्त हो रही है उनको एक के ऊपर एक में व्यवस्थित कर देता हूं, तो जो अवयवी कणों का जो व्यवस्था क्रम है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों के सापेक्ष देखने को अपने को मिलता है, और इस व्यवस्था क्रम को बोलते हैं अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक। मैं एचसीपी टू डी एचसीपी के अंतर्गत मैं इस व्यवस्था क्रम को नाम दूं तो इस पंक्ति को मैं ए कह दूं पहली पंक्ति को, तो इस तीसरी पंक्ति भी बिल्कुल इसके एक जैसी है तो इसको भी मैं ए कह सकता हूं। अगर मैं दूसरी पंक्ति को, भाई दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति एक सीध में नहीं है तो दूसरी पंक्ति को क्या मानूं मैं, बी, तो दूसरी और चौथी पंक्ति बिल्कुल एजटी होंगी तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, बी। तो जो 2D एससीपी क्लोज पैकिंग है वो होगी ए बी डैश 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 प्रकार का संकुलन होगा। 2D एससीपी किस प्रकार का संकुलन होगा, ए बी प्रकार का संकुलन होता है। अब हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का और 2D एससीपी क्लोज पैकिंग का उपयोग करते हुए 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है इसको मैं आपको लिए एक्सप्लेन करता हूं, तो इधर देखना तुम। अब आपका जो शेष रह रहा है वो रह रहा है 3D क्लोज पैकिंग, है ना। 3D क्लोज पैकिंग क्या है, जो 3D क्लोज पैकिंग है वो 2D क्लोज पैकिंग से जो परत बनती है उनसे प्राप्त की जाती है। तो 3D क्लोज पैकिंग से जो परत बनती हैं उनसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि इन परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं। जब एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं तो अवयवीय कणों की व्यवस्था तीनों अक्षों के सापेक्ष प्राप्त हो जाती है, तो इस व्यवस्था क्रम को अपन बोलते हैं त्रिविमीय या 3D क्लोज पैकिंग, त्रिविमीय निबड़ संकुलन। ये होता है भाई दो प्रकार से बनता है। पहला है बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये द्विविमीय बराकार निबिड़ संकुलन का उपयोग करते हुए। दूसरा है बाय यूजिंग ये भी दो प्रकार से हैं बाय यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दो होंगे। एक तो बनता है इससे सिंपल क्यूबिक सरल गणनीय, दूसरा बनता है इससे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इधर
इससे एक बनता है 3D HCP AB डैश 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 टाइप्स, और दूसरा बनता है 3D SCP ABC डैश 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 टाइप का संतुलन। तो प्रत्येक को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्या है, BCC क्या है, 3D SCP AB प्रकार का क्या है, और 3D SCP ABC प्रकार का क्या है। त्रिविमीय निर्भर संकुलन में अपन द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन का उपयोग करते हुए दो प्रकार का निर्भर संकुलन पढ़ेंगे। पहला है सिंपल क्यूबिक प्रकार का और दूसरा है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार का। तो इसमें पहला पढ़ते हैं अपन कि वर्गाकार निर्भर संकुलन, द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन से जो अपने को परत प्राप्त हुई है उस द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन से सिंपल क्यूबिक को किस प्रकार से बनाते हैं। तो इधर देखना, ये द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन को मैं शो कर रहा हूं यहां पर, ये एक विमीय, ये दूसरा। अभी अभी कणों को इसके सीध में जब व्यवस्थित करते हैं तो ये बन गया द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन। अब त्रिविमीय निर्भर संकुलन कैसे बनेगा, मैं यहां पर कलर चौक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इधर द्विविमीय निर्भर संकुलन, द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन से अपने को यह परत प्राप्त हो गई है, ये एक पहली परत है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ये बाय चौक से। अब दूसरी परत है, उसको दूसरी परत भी कैसी होगी, दूसरी परत भी 2D स्क्वायर क्लॉज पैकिंग वाली होगी, द्विविमीय वर्गाकार निर्भर संकुलन वाली ही परत होगी, बिल्कुल ऐसी ही परत होगी। अब दूसरी परत को भी और आने वाली तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी परतें हैं उन परतों को इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक परत के अवयवी कण एक सीध में स्थित होते हैं, प्रत्येक परत के अवयवी कण एक सीध में स्थित होते हैं। अर्थात मैं करड़ चौक से मैं इसके ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से जमा देता हूं, ये इसके दूसरी परत के अवयवी कण रहे। तो जो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम होगा उसको बोलते हैं अपन सिंपल क्यूबिक प्रकार का, सरल गणीय प्रकार का व्यवस्था। देखो अब तीसरी परत है, वो तीसरी परत भी दूसरी परत के बिल्कुल जस्ट ऊपर आती है और प्रत्येक परत के अवयवी कण एक सीध में स्थित होंगे। तो इस व्यवस्था क्रम में तीनों अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों के सापेक्ष अवयवी कणों की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये परत पहली रही ए, ये दूसरी परत, ये बी परत रही, क्या मैं कह दूं पहली परत इसको मैं लिख दिया एक से, दूसरी परत ये रही, तीसरी परत भी बिल्कुल ऐसी रहेगी। तो मैं पहली परत को ए मानूं तो दूसरी परत को भी मैं ए ही मानूंगा, क्यों, क्योंकि दूसरी परत भी पहली परत के बिल्कुल एक रूप है, तो इसको मैं कह सकता हूं ए। तो ये सिंपल क्यूबिक टाइप का जो निविड़ संतुलन है वो एक प्रकार से 3D AA प्रकार का निविड़
संकुलन होगा, 3D A A A टाइप का संकुलन होगा या क्लोज पैकिंग होगी। यह एक्स अक्ष के सापेक्ष व्यवस्था हो गई, ये अभी कणों की वाई अक्ष के सापेक्ष हो गई, और इसके ऊपर जब अभी कण आएंगे तो किसके सापेक्ष हो गई, वो जेड अक्ष के सापेक्ष व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार से अपने को ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में सिंपिक क्यूबिक मिल जाता। यदि वर्ग को अपन एक वर्गाकार, ये बॉक्स लिया मैंने, ये आयताकार है, इसका फेस है जो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो ये घनाभ है। अगर मैं वर्गाकार इसको लेकर के इनको वर्गाकार लेता हूं तो ये परत बन गई। कैसी परत है? द्विविमीय। ये द्विविमीय वर्गाकार परत को एक ऊपर एक जमाता चला जाऊंगा तो ये घन नहीं बन जाएगा क्या? तो इसीलिए ये होता है क्यूबिक क्लोज, सॉरी सिंपल क्यूबिक टाइप का क्लोज पे। मैं इसके समरणी संख्या की बात करूं तो जहां पर मैंने यूनिट सेल पढ़ाई थी उस जगह पर आपके लिए बता दिया है कि यहां पर इसकी जो समरणी संख्या है वो अपने को कितनी प्राप्त होती है, वो अपने को 8 प्राप्त होती है। सिंपल क्यूबिक में प्रत्येक अव्यवीकरण 4 को स्पर्श करता है। कितने को स्पर्श करता है? 4 को स्पर्श करता है। इधर देखो इस सेंटर वाला कितने को, ये इसमें इसको सेंटर मान, तो देखो इधर ये एक, ये एक तो ये स्पर्श कर रहा है इसको, ये कर रहा है, ये कर रहा है, एक ये कर रहा, तो इसको 4 अव्यवीकरण सेंटर वाले को स्पर्श कर रहे हैं। तो इधर जो सिंपल क्यूबिक टाइप की जो यूनिट सेल है, जो उसकी समन्वय संख्या होगी, वो समन्वय संख्या होती है इसकी, सॉरी 8 नहीं, सॉरी इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। पहले आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूं कितनी होती है 6। जो 4 तो ये स्पर्श कर ली, बीच वाली परत, जैसे कि मैं इसको मैं बीच वाली परत मानू, 4 को तो इसने स्पर्श कर लिया। एक अव्यवीकरण इसको मैंने पी से डिनोट कर दिया, इस अव्यवीकरण की निकाल रहा हूं, तो 4 को तो इसने स्पर्श कर लिया, और एक अव्यवीकरण इसके नीचे वाली परत का होगा और एक अव्यवीकरण इससे ऊपर वाली परत का होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो समन्वय संख्या है वो अपने को 6 प्राप्त होती है, न कि 8। पहले भी मैंने आपके लिए बता दिया है 6 ही प्राप्त होती है। इधर ये इसकी मैं संकुलन दक्षता की बात करूं, पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलन दक्षता, तो जो इसकी संकुलन दक्षता है वो अपने को प्राप्त होती है सिंपल क्यूबिक की 52.4%। ये संकुलन दक्षता अपने को प्राप्त हो जाती है किसकी? सिंपल क्यूबिक की। उसके बाद फिर आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इसमें जो इसमें भी अपन सिंपल क्यूबिक का उपयोग करते हुए, सिंपल क्यूबिक का उपयोग करते हुए क्या बनाते हैं भाई? सिंपल क्यूबिक का उपयोग करते हुए अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 2D स्क्वायर क्लॉज पैकिंग से जो अपने को परत प्राप्त हुई है, ये 2D स्क्वायर क्लॉज पैकिंग की परत रही। इन परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पहली परत के गर्तों में दूसरी परत के अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं। ये पहली परत रही। अब इन पहली परत के गर्तों में दूसरा चौक ले रहा हूं, कलरफुल चौक, इधर देखो, दूसरी परत के जो अभी कण हैं
वो पहली परत के गर्तों में ये स्थान ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार और जो तीसरी परत है वो तीसरी परत के जो अवयवी कण हैं, ये तो पहली परत ये हो गई एक, पहली परत हो गई एक, ये दूसरी परत हो गई, पहली परत हो गई एक, ये दूसरी परत हो गई, जो तीसरी परत है उसके अवयवी कण पहली परत के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में स्थित होते हैं, अर्थात पहली परत के अवयवी कणों के ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार के अपन व्यवस्था क्रम को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के व्यवस्था क्रम को बोलते हैं अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार, काय केंद्रीय गणीय प्रकार। देखो जब तीसरी परत के जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के अवयवी कणों के बिल्कुल जस्ट ऊपर स्थित हैं। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी अभी, सिंपल क्यूबिक जो बनता है यूनिट सेल उसके केंद्र में अवयवी कण स्थान ग्रहण कर लेता है एक, तो बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रीय गणीय प्रकार की यूनिट सेल बनती है। तो इधर देखना, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, और ये कलरफुल चौक से तीसरी परत हो गई। तो तीनों कलर, पहली परत का व्हाइट कलर है, दूसरी का ब्लू कलर है, तीसरी का येलो कलर है। तो इधर मैं बात करूं कि एक पहली परत के गर्तों में दूसरी परत के अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं और तीसरी परत के अवयवी कण बिल्कुल पहली परत के ऊपर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्रम को अपन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से जानते हैं, काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था क्रम के नाम से जानते हैं। इधर इसकी जो समन्वय संख्या है CN नंबर है, अपने को 8 प्राप्त होती है। कैसे, इधर देखो चार अवयवी, भाई बीच वाली परत के मैं देखता हूं, कोई सी परत को देख लो, इधर जो बीच वाली सेकंड वाली परत है इसका एक अवयवी कण को पहली परत के चार स्पर्श कर रहे हैं और तीसरी परत के भी कितने कर रहे हैं, चार, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 8 होती है। और जो पीसीसी की पीएफ है, संतुलन दक्षता है, वो अपने प्राप्त होती है 68%। जो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में जो ये रिक्तियां बनती हैं, वो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में रिक्तियां जो बनती हैं, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग के से जो क्यूबिक टाइप की 3D क्लॉज पैकिंग बनती है उसमें कौन सी रिक्तियां बनेंगी, उसमें बनती हैं घनीय रिक्तियां, घनीय रिक्तियां। इधर तो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग से अपन ने सिंपल क्यूबिक प्रकार की और बीसीसी प्रकार की क्लॉज पैकिंग पढ़ ली है। उसके बाद में अगली है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का उपयोग करते हुए अपन बनाते हैं एक SCP 3D AVAV प्रकार की और एक SCP 3D ABC प्रकार की। अगर मैं BCC की बात करूं तो पहली परत को मैं A मानूं तो तीसरी परत को भी क्या मानूंगा, A। क्यों, क्योंकि तीसरी परत के अवयवी कण और पहली परत के अवयवी कण बिल्कुल एक रूप है, दूसरी परत के अवयवी कण
पहली परत के गर्त में स्थान ग्रहण कर रहे हैं तो इसको मैं बी मान सकता हूं। इसी प्रकार से आने वाली चौथी परत भी क्या होगी, वो दूसरी परत के बिल्कुल जस्ट ऊपर स्थित होती है इधर। तो यहां पर पहली, तीसरी और पांचवी परत के अवयवी कण एक दूसरे एक सीध में होंगे इधर। दूसरी, चौथी और छठी परत के अवयवी कण डैश 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 आगे एक दूसरे के सीध में स्थित होते हैं। तो इसमें अल्टरनेटिव रे जो रो है उसके अवयवी कणों के अंतर्गत हॉरिजेंटल और वर्टिकल अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट देखने को मिलता है व्यवस्था का। इधर इसको अपन कह सकते हैं कि बीसीसी को कि ए बी प्रकार का व्यवस्था क्रम है जो कि किससे बना है, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग 2D के उपयोग करते हैं। इधर फिर आता है 3D, ये सिंपल क्यूबिक की 3D है और बीसीसी भी 3D है। अगला है 3D ABC और 3D ABAB, वो भी कौन से बने हैं, HCPC। तो है बाय यूजिंग HCP क्लोज पैक। टू डी अपन पढ़ रहे हैं 3D क्लोज पैक है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं वो किससे, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का उपयोग करते हुए कैसे बनाएंगे। तो 2DHCP से 3D कैसे बनाएंगे, ये दो प्रकार का है। ये 3DHCP ABAB प्रकार का और एक है 3DHCP ABC प्रकार। इधर इसी को बोलते हैं अपन CCP क्यूबिक क्लॉज पैकिंग और इसी को बोलते हैं अपन FCC फेस सेंटर्ड क्लॉज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्लॉज पैकिंग। CCP को क्यूबिक क्लॉज पैकिंग बोलते हैं। 3DHCP ABAB प्रकार का क्या होगा भाई, इसको समझते हैं पहले। तो 2DHCP निबड़ संकुलन से अपने को जो परत प्राप्त होती है उन परतों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो किस प्रकार से कि पहली परत ये रही HCP, ये पहली परत रही। उसके बाद ये दूसरी परत रही, केवल एक भाग निकाला है और ये तीसरी परत रही।
इधर मैंने इसको ये पहली परत बोल दिया, इसको मैंने दूसरी परत बोल दिया, इसको मैंने तीसरी परत बोल दिया। तो इधर पहली परत और तीसरी परत के अवयवी कण बिल्कुल एक सीध में स्थित होते हैं। और ये कौन सी है? हेक्सागन है। हेक्सागन कौन सी है? एससीपी 2D। तो एससीपी 2D के अंदर जो रिक्तियां बनती हैं वो होती हैं त्रिकोणीय प्रकार की, त्रिकोणीय रिक्ति। तो एससीपी 2D क्लोज पैकिंग की जो त्रिकोणीय रिक्तियां बनती हैं, इन त्रिकोणीय रिक्तियों में जो अल्टरनेटिव रिक्तियां होती हैं, यहां पर त्रिकोणीय रिक्तियों की संख्या कौन सी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 रिक्तियों में से कोई 3 रिक्तियां द्वितीय परत भी कौन सी होगी? पहली ये सबकी सब कौन सी होंगी? एससीपी 2D परत होंगी। एससीपी 2D परत को ही अपन अर्थात द्विमीय निविड़ संकुलन, द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की ही परतें होंगी, इनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं। अपन बनाने किससे? द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से बना रहे हैं अपन त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन AB AB प्रकार का, और त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन ABC ABC प्रकार का। तो जो एचसीपी क्लोज पैकिंग 2D है इसके अंतर्गत त्रिकोणीय रिक्तियां पाई जाती हैं। इन त्रिकोणीय रिक्तियों में द्वितीय परत है उसके अवयवी कण केवल एकांतर क्रम वाली रिक्ति में स्थान ग्रहण करते हैं, और जो तीसरी परत है उस तीसरी परत के अवयवी कण और पहली परत के अवयवी कण एक सीध में स्थित होते हैं। इधर ये पहली परत हो गई, इसके ऊपर मैंने दूसरी परत को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूं, कलरफुल चौक से बताता हूं आपके लिए। इधर ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई। तो मैं यहां पर कलरफुल चौक से पहली परत को शो कर रहा हूं बाहर से। देखो मेरे साथ साथ बनाना आप। ये पहली परत रही, इस पहली परत को मैंने यहां से बाइट चौक से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी जो अल्टरनेटिव रिक्तियां हैं, एक तो ये रही, इसको छोड़ दो, एक ये रही, इसको छोड़ दो, एक ये रही। इन 3 रिक्तियों पर ये जो दूसरी परत है उस दूसरी परत के अवयवी कण स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसको अलग चौक से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। देखो इधर इस रिक्ति को छोड़ दिया, इस रिक्ति को छोड़ दिया, ये स्थान ग्रहण कर। तो ये परत हो गई बाहर चौक से ए, ब्लू चौक से ये बी परत हो गई, मैंने एक भाग लिया इसका। इधर जो अगली जो तीसरी परत है वो बिल्कुल जस्ट पहली परत जैसी होगी, तो इसको मैंने यहां पर ये तीसरी परत को जमा दिया इस प्रकार से इसके ऊपर। तो देखो पहली परत और तीसरी परत के अवयवी कण एक जैसे हैं, एक रूप में व्यवस्थित हैं,
इसीलिए इसको हम बोलते हैं एचसीपी थ्री डी एबी 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 प्रकार का। पहली परत भी इसको ए मान लो तो तीसरी परत को मैं क्या मानूंगा ए, दूसरी परत की व्यवस्था अलग है इसको मैंने मान लिया बी, तो इसको बोलूंगा एबीसी एबीसी प्रकार का व्यवस्था क्रम। ये कौन सी परत हो गई सी। जब अपन एचसीपी टू डी रिवेट संकुलन की जो त्रिकोणीय रिक्ति है, इस त्रिकोणीय रिक्ति पर द्वितीय परत के अवयवी कणों को जमाते हैं, तो द्वितीय परत के अवयवी कण जमने पर जो ये रिक्ति बनेगी वो रिक्ति कौन सी होगी। द्वितीय परत के जमने पर अवयवी कण जमने पर ये बनती है रिक्ति चतुष्फलक की। इसको बोलते हैं चतुष्फलक की रिक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीडी बॉय, टेट्राहेड्रल बॉय। पहली परत और तीसरी परत, देखो पहली परत ये रही व्हाइट चौक से और तीसरी परत किससे, येलो चौक से। तो पहली परत और तीसरी परत की जो रिक्तियां हैं, पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति और तीसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति, ये क्या हो जाती है उभयनिष्ठ हो जाती हैं, और इन रिक्तियों को बोलते हैं अपन अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं इनको अष्टफलकीय। देखो इधर मैं इसको येलो चौक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति और इधर तीसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियां उभयनिष्ठ होकर के ये बनाती हैं अष्टफलकीय रिक्ति। इसको बोलते हैं ऑक्ट्राहेड्रल बॉयड अर्थात ओएच बॉयड। तो इस प्रकार से ये एचसीपी थ्रीडी एवी एवी प्रकार का निविड संकुलन अपन पढ़ लेते हैं। इसकी मैं बात करूं समन्वय संख्या की, तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या होती है 12, और इसकी जो पीएफ है संकुलन दक्षता है वो अपने को प्राप्त होती है 74%। कि सेंटर वाले को देखो 6 घेरे हुए हैं, इधर इस सेंटर वाले को 6 घेरे हुए हैं चारों तरफ से, सेंटर वाले को 6 घेरे हुए हैं, और ये जो सेंटर वाला है इसको ऊपर वाली परत के और नीचे वाली परत के तीन तीन और घेरे हुए होते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। 12 भाई सेंटर वाला है, मैंने येलो वाला सेंटर वाला रिप्रेजेंट मानू तो इसको तीन ये घेर रहे हैं, तीन नीचे वाली परत घेरेगी तो सेंटर इस वाले को कितने घेर रहे, बीच वाली परत के 6 घेर रहे हैं, नीचे वाली और ऊपर वाली परत के कितने घेर रहे हैं तीन तीन, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 12। उसके बाद आता है 3D एससीपी एबीसी एबीसी प्रकार का संकुलन, अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखो एससीपी थ्रीडी एबीसी एबीसी क्लॉज पैटर्न किस प्रकार से बनाते हैं, ये अपन ने एक हिस्सा लिया, मैंने पहली परत का एक हिस्सा ले लिया, ये दूसरी परत का एक हिस्सा ले लिया, एक तीसरी परत का एक हिस्सा ले लिया। तो देखो इधर जो ये पहली परत है ये रही, ये दूसरी परत रही, ये तीसरी परत रही, मैं यहां पर दूसरी परत है मध्य वाली परत इसको मैंने कंप्लीटली बनाया है, और इसमें पहली और तीसरी परत का एक एक हिस्सा केवल तीन एटमों को रिप्रेजेंट किया है मैंने यहां। तो ये वाली जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां कौन सी हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। तो किताब देखना, इस द्वितीय परत पर पहली परत, तो इस त्रिकोणीय रिक्ति पर यह अवयवी कण स्थान ग्रहण कर लेता है, इस त्रिकोणीय रिक्ति पर, इस वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर
ये अव्यवी कण स्थान ग्रहण कर लेता है इस रिक्ति पर और इस त्रिकोणीय रिक्ति पर ये वाला अव्यवी कण स्थान ग्रहण कर लेता है इधर। ये तो हो गई पहली परत पर, दूसरी परत पर पहली परत की व्यवस्था। तो ये परत कौन सी हुई? पहली परत। ये हो गई दूसरी परत। अब तीसरी परत है, वो तीसरी परत जो पहली परत और तीसरी परत जो जमेंगी वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जमती है। इधर देखा, इस तीसरी परत के जो अव्यवी कण है, जो अल्टरनेटिव रोगी, ये वाला जो अव्यवी कण है वो इस जगह पर स्थान ग्रहण करता है, ये वाला अव्यवी कण इस जगह पर स्थान ग्रहण करता है इस रिक्ति में। ये वाला अव्यवी कण है वो इस रिक्ति में स्थान ग्रहण करता है और ये वाला अव्यवी कण है वो इस रिक्ति के अंतर्गत स्थान ग्रहण करता है। तो मैं यहां पर इसको इन तीनों परतों को व्यवस्थित करके बताता हूं। तो देखो, ये मध्य वाली परत रही दूसरी बार, मेरे साथ साथ बनाना इसी को। इस मध्य वाली परत बी पर ए परत दूसरी परत है कि अव्यवी कण यहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। देखो इस रिक्ति में दूसरा अव्यवी कण इस जगह पर और तीसरा अव्यवी कण इस जगह पर, साथ साथ बनाना। पहला अव्यवी कण इस जगह पर आ गया, दूसरा अव्यवी कण इस रिक्ति में आ गया, तीसरा इसमें आ गया। देखो इधर, पहला अव्यवी कण इस रिक्ति में, दूसरा इस रिक्ति में और तीसरा इस रिक्ति में। इधर जो तीसरी परत है ये हो गई कौन सी परत? पहली, इसके नीचे रही ए। जो तीसरी परत है वो इस वाली रिक्ति पर एक यहां पर अव्यवी कण ने स्थान ग्रहण कर लिया, एक अव्यवी कण ने इस जगह पर स्थान ग्रहण कर लिया और एक अव्यवी कण इस जगह पर स्थान ग्रहण कर लेता है। तो मैं इस बात को कह दूं कि जो मध्य वाली जो परत है ये हो गई सी, जो मध्य वाली परत है ये बीच वाली परत नहीं मध्य वाली परत, इस मध्य वाली जो परत है, इस मध्य वाली परत का जो अव्यवी कण है वो पहली परत और जो तीसरी परत के मध्य जो त्रिकोणीय रिक्तियों से वो अष्ट, जो पहली परत और तीसरी परत के मध्य जो त्रिकोणीय रिक्तियां जो उभयनिष्ठ थी उनके अंदर दूसरी परत के अव्यवी कण स्थान ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात इस रिक्ति को बोलते हैं अपन अष्टफलक की रिक्ति। तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि द्वितीय परत के अव्यवी कण एकांतर क्रम वाली अष्टफलक की रिक्तियों पर स्थान ग्रहण करते हैं। तो ये वाली जो रिक्ति होगी द्वितीय परत के जो अव्यवी कण है वो एकांतर क्रम वाली इस अष्टफलकीय रिक्ति में स्थान ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो अपने को जो व्यवस्था क्रम प्राप्त होगा वो एबीसी 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 प्रकार का व्यवस्था क्रम प्राप्त होता है, जबकि एबी एबी व्यवस्था क्रम में
चतुष्पर्गीय रिक्तियों पर स्थान ग्रहण किया गया था अल्टरनेटिव वाली पर। यहां पर पहली और तीसरी परत की जो व्यवस्था क्रम है बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन और रिक्तियां कैसी बन रही हैं, पहली और तीसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियां उभयनिष्ठ बन रही हैं। इन उभयनिष्ठ रिक्तियों में द्वितीय परत के अवयवी कण स्थान ग्रहण करते हैं तो वो रिक्ति हो जाती है अष्टफलकीय रिक्ति। तो इस प्रकार से ये एबीसी एबीसी व्यवस्था क्रम कंप्लीट होता है। इसमें समन्वय संख्या क्या होगी भाई, देखो बीच वाले परत की मैं बात करूं तो कोई भी अवयवी कण है उसकी समन्वय संख्या 12 होती है, तो इसकी सीएन नंबर कितनी होगी 12। कैसे होती है कि बीच वाली परत को 6 अवयवी कण घेरे हुए हैं, 3 नीचे वाले परत के और 3 ऊपर वाली परत के, इस प्रकार से इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। और पैकिंग फ्रैक्शन संतुलन दक्षता 74% होती है। और इसी व्यवस्था क्रम को 3D SCP ABC व्यवस्था क्रम को ही अपन बोलते हैं CCP क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, या इसी को बोलते हैं FCC क्लॉज पैकिंग। ठीक, इधर इससे पूर्व में मैंने आपको जब यूनिट सेट पढ़ाई थी उस टाइम पर भी मैंने आपको यह बताया था कि ABC व्यवस्था क्रम है वो फेस सेंटर्ड में किस प्रकार से देखने को मिलती है। इधर मैं इसको वापस से आपके लिए रिपीट करूं, उससे बेहतर है कि आप जो FCC प्रकार की यूनिट सेल है उस वीडियो लेक्चर में आप सीन कर सकते हैं।